करनी है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो तो बताओ कोई। आज किरण बीटीएस की थीम है मिनी गोल्डन बेल। है मिनी गोल्डन बेल, सिल्वर बेल क्यों नहीं रखा तुमने? आज किरण बीटीएस मिनी गोल्डन बेल एपिसोड में तुम लोगों को तीन गेम्स खेलने हैं, वो भी अलग अलग, और जिसका स्कोर भी सबसे कम होगा उसे सजा मिलेगी। अच्छा, और जो आज होस्ट बनेगा वो लास्ट में टीम चूज कर पाएगा। तो मैं बनूंगा होस्ट आज। है वी है, वैसे तो वी कभी बना भी नहीं ना एमसी। हाँ हाँ रुको, पर पहले एडवांटेजेस तो जान ले क्या होंगे। अरे हाँ हाँ, आज के एमसी के एडवांटेज है कि उसके पास बहुत एडवांटेजेस होंगी। है ये क्या बात हुई, फिर मैं ही बन जाऊँ क्या? ठीक है वी, वैसे भी तुमको पहले चांस नहीं मिला कभी। हाँ हाँ, अरे फिर तो ये सजा से भी बच जाएगा ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। है अच्छा, फिर तो इसी को बना दो, बेचारे का बहुत मन भी कर रहा है। चल ठीक है वी, तू ही आज का होस्ट। तुम सब वोट नहीं करोगे क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं है वी, कोई बना दो आज का होस्ट। चलो ठीक है, तो फाइनल करते हैं। आज के गेम में तो मजा आने वाला है। ओके होस्ट वी, कुछ तो बोल। हाँ क्या बोलूँ मैं बताओ। कैसा होस्ट है ये ले, स्क्रिप्ट पढ़ के ही बोलेगा अब तो ये। जल्दी बता क्या कर रहे हैं हम आज, शुरू करूँ मैं? अरे हाँ बोल भाई। तो अब शुरू होता है पहला राउंड। अरे पहले कुछ और तो बोल, सीधा ही फर्स्ट राउंड पे शुरू कर रहा है। क्या बोलूं? ये बता तेरे को एमसी बनके कैसा लग रहा? वैसे तो मेरे को डर लग रहा है और अजीब भी लग रहा है, पर नहीं मेरे को सजा मिलेगी बाद में, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया होस्ट बनूं। ओहो बेचारा। वैसे इसके कपड़े तो देखो यार, सही होस्ट वाले कपड़े पहने इसने। ओ हाँ चश्मा टोपी सब पहन रखे हैं इसने तो। चलो भैया बहुत हो गया, अभी शुरू कर। ओके फर्स्ट राउंड है साउंड क्विज। ये क्या होता है? इस गेम में तुम लोगों को एक साउंड सुनाई जाएगी, तो ध्यान से सुनना और मेरे क्वेश्चन का वेट करना। है अच्छा फिर? और फिर तुम लोगों को अगर आंसर पता है तो हाथ उठाना। क्या यार वी, तेरी होस्टिंग में मजा नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं सुन रही तेरी, थोड़ा ऊंचा बोलना। हाँ चिल्ला थोड़ी सकता हूँ मैं। जैसा कि वी ने बताया कि इस गेम में तुम्हें साउंड सुनाई जाएगी, अगर तुम्हें आंसर पता है तो बता देना। टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं एक एक नंबर के। चलो अब तो आ गया ना समझ, अब गेम शुरू करें। हाँ हाँ, पहला सवाल ध्यान से सुनो और बताओ ये आवाज किसकी है। अच्छा जल्दी सुनाओ, ये गेम तो हमने पहले भी बहुत बार खेला है ना। हाँ हाँ, तुम्हें ना सब कुछ डिटेल में बताना आवाज सुन के। अच्छा कौन कब क्यों कैसे सब कुछ बताना है? हाँ बिल्कुल सही बोला तूने, पर यार डिटेल में बताना जरूरी है क्या? छोड़ो तुम पहले आवाज से सुन लो। ओके ठीक है लेट्स गो, सब बिल्कुल ध्यान से सुनना। हाँ है, ये कौन चिल्ला रहा था? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, कहीं कुकी तो नहीं था ये? मैं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ना जिन भाई की आवाज थी पक्का। एक बार और सुना दो हमें प्लीज, अब जिसको भी आंसर पता चल जाए हाथ उठा देना। हाँ ये तो जब मैं कुछ तोड़ देता हूँ ना तो गुस्से में ऐसे चिल्लाता हूँ। तोड़ फोड़ तो करता है तू, पर ये तेरी आवाज नहीं है कुकी। कहीं मैं तो नहीं था, मेरा फोन गिरा होगा। नहीं कुकी मैं बताता हूँ, ये शायद ना मेरी आवाज है, झूले में बैठने से पहले मैं चिल्ला रहा हूँ गुस्से से। थोड़ा सा सेम है पर आंसर गलत है। सेम है मतलब ये आवाज जमीन की है क्या? ये तो मैं नहीं बता सकता तुम लोगों को। क्या यार वी, तो आज का होस्ट है, कुछ भी कर सकता है तू। तू किसी से मर्डर बोल बंदास। ठीक है तो सेम है, जमीन झूले को देख के अफसोस में चिल्लाया होगा। गलत, जंगकुक वो झूले पे बैठना चाहते थे। नहीं हाँ एक मिनट, ऐसी आवाज तो हम सजा मिलने पे निकाल। गलत, अरे पहले पूरा सुन तो लिया करो, पहले ही गलत बोल रहे हो तुम। मुझे तो लग रहा है ये आवाज जिमिन की नहीं जिन भाई की है। नहीं एक बार फिर से सुना दो प्लीज। हाँ सही बोल रहा है ये, मुझे तो अब ये कुकी की आवाज लग रही है। ओए वी हमें थोड़े हिंट तो दे दे यार, ये या तो जिमिन है या जंगकुक है। है हाँ हाँ बस इतना ही बताऊंगा, मैं एक ही हिंट दे सकता था। रहने दे तो बस इतना बता दे कि ये सिचुएशन कैसी है, झूले पे है कोई? देखा मेरे को तो कब से यही लग रहा था। जिन जिन मैं बताऊं क्या आंसर? बोलो, हम लोग झूले पे होंगे और होबी को आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, फिर मेरे को गुस्सा आ गया इसीलिए मैं वहाँ पे चिल्ला रहा था, है ना? है गलत जवाब क्या? जिमी नहीं लग रहा मुझे तो अभी भी। हाँ हाँ मेरे को ना आंसर नहीं आ रहा होगा इसीलिए मैं गुस्से में चिल्लाया होगा उधर। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, बताओ अभी आंसर ठीक है ना? बिल्कुल गलत है। जी होप ये पता है जिमिन हो सकता है, पायरेट शिप लेने से पहले वो ऐसे ही चिल्ला रहा होगा, है ना वही है ना? अरे नहीं नहीं गलत जवाब है। है फिर
गलत है। अरे तो बोलना, फिर भी इन्हें ना सही आंसर नहीं बताया था, इसलिए चिल्लाया था मैं। हैं? हाँ तो सही जा रहा है। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये आवाज कुकी की है, पर इसने ये आवाज निकाली क्यों? हाँ। जिन, शुगा, ओए रुक जा शुगा, मैं बोलूंगा पहले। अच्छा ठीक है जिन भाई, देखो मेरा आंसर ये है कि जंगकुक ना झूले पे बैठा था। हाँ? और इसके साथ जो भी मेंबर बैठा होगा उसने सही जवाब नहीं दिया, इसलिए ये चिल्ला रहा था, है ना? हाँ, मतलब थोड़ा सा ठीक है पर गलत है। अब मैं बताता हूँ सही जवाब, क्योंकि इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि इसको स्टाफ वाले दोबारा झूले पे नहीं बैठने दे रहे होंगे। क्या? नहीं है? ओ, जंगकुक, जंगकुक, मुझे पता चल गया, हम लोग ना गेम खेल रहे थे और टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए मैं चिल्लाया हूँ, है ना? काश मैं बोल पाता तेरा जवाब सही है। हैं? बेचारा कुकी। शुगा शुगा शुगा, हाँ बोल। कुकी सही आंसर बताने के लिए चिल्ला रहा था। जिमिन जिमिन, एक मिनट, युंगी भाई ने आंसर सही दिया पर वो थोड़ा उल्टा है। हैं? मैं बताता हूँ, कुकी का आंसर पता था पर वो जवाब नहीं दे पाया, है ना? एक मिनट जिमिन, आर्यम, देओ, सब रुक जाओ, जिन भाई का आंसर सही था। हैं? वाह। मेरे को तो पहले ही पता था मैं सही बता रहा हूँ। नहीं यार, मैं सही बता रहा था, आंसर बस थोड़ा उल्टा बोल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या फिर दुखी। हाँ? क्यों जिन भाई, पता नहीं यार, अजीब सा लग रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन पूछो जल्दी, अभी तो बस एक ही क्वेश्चन हुआ हमारा। बताओ यार, 9 क्वेश्चन पड़े हैं। सही है ना, इस बार ढंग से खेलेंगे, क्या पता हम ही जीत जाएं। वी शुरू करें? हाँ हाँ। सुन यार, इस बार थोड़े हिंट दे दियो हमें प्लीज। हाँ देख लूंगा मैं। चलो अब अगला सवाल ये है। ये तो ला रहे मैं। अब ये तो बताओ कि ये आवाज किस सिचुएशन में निकाली गई है। हाँ, जिन, ओहो जिन भाई तो गजब ही कर रहे आज। ये हम बोर्ड गेम खेल रहे थे और नहीं, रेंडो गलत है। हैं? मुझे तो सही में कुछ याद नहीं आ रहा। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सोचो जल्दी। अब पायरेट शिप वाला तो नहीं था ना? देखो ये वो वाला एपिसोड था जहाँ पे हमने पहली बार कुछ नया ट्राई किया था। हाँ, एस्केप रूम वाला? नहीं जिमिन, ये वो वाला एपिसोड है जिसमें हमने पोटरी बनाई थी, है ना? और उस टाइम ना क्ले व्हील से नीचे गिर गई थी, इसीलिए आर्यन भाई हंस रहे थे और बोले कि हंस हंस के पेट दुख रहा मेरा तो, है ना? वही था ना? हाँ। सही जवाब है जिमिना का। वाह यार जिमिन, गजब कर दिया तूने तो। वी की क्ले गिरी थी उस टाइम। हाँ हाँ, अब याद आ गया मेरे को, तूने कैसे गेस करा जिमिन? सारे रन बीटीएस देखे मैंने। वाह सही में? ओहो, ये तो बड़ा चालू है, इस बार तो कोई हिंट भी नहीं थी फिर भी गेस कर लिया इसने। हाँ अब अगली आवाज। हैं? ये तो मेरी आवाज लग रही है। हाँ तुम्हें बताना है आपकी हॉबी भाई किससे और क्यों बोल रहे थे। हैं? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सोचो कुछ तो याद आएगा। अरे आंसर है कि जमीन ना कौवे की आवाज निकाल रहा था, फिर हॉबी उसकी एक्टिंग करके दिखा रहा था। नहीं गलत है। रुको मैं बताता हूँ, हॉबी ना बार बार स्नैक्स मांग रहा था इसीलिए वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था, है ना? हाँ नहीं, ये सवाल ज्यादा मुश्किल है इसलिए मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। हाँ? ओ, हाँ, जंगकुक, जंगकुक, मुझे याद आ गया, ये जब हम लोग टेंट याद कर रहे थे फ्राइंग पैन वाले गेम में। हाँ नहीं, शायद वो नहीं है। जिन, रॉक पेपर सीजर में हो भी आ गया। नहीं गलत। जी हो, मैंने ना वो रेबिट वाली हैट पहनी हुई थी। ओ, हाँ, 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 और उसके बाद हम लोग फ्राइंग पैन वाला गेम खेल रहे थे और फिर। हाँ सही जवाब है क्या इसका? नहीं नहीं, थोड़ा सा क्लोज है पर। है फिर क्या होगा आंसर? रैबिट हैट तक तो सही बोला इन्होंने। जंगकुक, जंगकुक, सुनो ध्यान से, हिंट ये है कि हॉबी भाई से कोई बोल रहा था फिर उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया था। है पर एक मिनट यार, पर आंसर तो मैंने लगभग बता ही दिया था ना। अरे नहीं हॉबी, क्या बोला वो भी तो गेस करना होता है ना। देखो एक तो हॉबी हो गया और जिससे बात कर रहा था वो, जिन भाई गेस कर लो। अरे वही तो कर रहा हूँ, कौन सा मेरे को आंसर आता है। हॉबी के अलावा हम लोग 6 बचते हैं तो आर्यम था। नहीं। क्या यार, वैसे इतनी मेहनत करी मैंने। अब बताओ जल्दी कौन बताएगा आंसर? मैं था क्या वहाँ पे? नहीं। जिन? नहीं। जिमिन? नहीं नहीं। शुगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम भी नहीं है, शुगा भी नहीं है, तो फिर कौन बचा? जिन भाई थे ना? हाँ बोलना, हंस क्यों रहा है तू? तेरा जवाब गलत है आर्यम। यार बड़ा ही मुश्किल सवाल है, कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो वहाँ पे ना जिन भाई थे। हाँ? अच्छा फिर तो मैं होपी को बोल रहा हूँ। क्या यार तूने आंसर नहीं बताया? हाँ थोड़ा सा क्लोज है। तो क्या है सही आंसर? देखो अगर हम लोग उस गेम में हारते थे तो क्या करना होता था?
मुझे पता है, रैबिट हेड को ना नीचे रख देना होता था, पर होबी भाई, हाँ हाँ, होबी भाई ने नहीं रखी थी, वो पहन रहे थे, इसीलिए उनको चिन भाई बोले। हाँ क्या बोले, जल्दी बोलना कि तू टोपी नीचे रख दे। होबी भाई ने क्या बोला वो बता तू। होबी भाई बोले क्या, हाँ सही जवाब। फ्लैशबैक। End of flashback. ये वाला बहुत मुश्किल है। हैं? अभी तक इजी कौन सा था? मुझे लग रहा है मैं होस्ट बनने के काबिल ही नहीं हूँ, जब से हंस रहे हैं ये लोग मेरे पे। अरे कोई बात नहीं, भी होता है ऐसा तो बहुत बार। ब्रेकिंग न्यूज़, अब से कभी भी मैं मेन रोल नहीं लूंगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो हमें अच्छा होस्ट बन के दिखाएगा। ठीक है तो अब तुम लोग सुनोगे अगली आवाज। जिन है? ये सायरन की आवाज है। अरे रुको रुको, भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि ये आवाज किसने किसकी तरफ करी थी? हैं? किसी और ने करी थी आवाज, पर ये तो सायरन के साउंड है ना। जंगक, जिन भाई ने करी थी। एक मिनट, रन बीटीएस के विलेज वाले एपिसोड में तो सायरन था, और उस टाइम जब गेम खत्म हो गया होगा तो सबको बुलाने के लिए। नहीं गलत जवाब। अरे ये पिगटेल वाला एपिसोड था है ना? क्या ये कौन सा एपिसोड था, मुझे तो याद नहीं है। एक मिनट, मुझे तो लग रहा है कि ना ये पिकनिक वाला एपिसोड होगा। हाँ हाँ, और फिर हम लोग खेल रहे थे उस टाइम पे, तो हम लोग गाना भी गा रहे थे साथ में, पर वहाँ सायरन तो नहीं था। मेरे पास माइक था ना, पर हमने निकाली थी आवाज। सही जवाब है क्या? स्टाफ वालों से पूछो, सही में सही जवाब है क्या? नहीं। हाँ पर इसमें तो लिखा है सही है। रुको रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओए आरएम, तो खुद गेस्ट है शो पे और ये होस्ट की मदद कर रहा है। नहीं नहीं मैं इसका को-होस्ट हूँ। देखो पता क्या हुआ था, ये पिकनिक वाला एपिसोड था, हम लोग गाना गा रहे थे और सायरन की। हो एक मिनट, ये कुकी नहीं था, तो ये गलत जवाब हो गया है। तो फिर कौन था? फिर तो आरिम गाना गा रहा होगा पिकनिक वाले एपिसोड में, फिर उसी ने ये आवाज निकाली होगी। जिन भाई बिल्कुल सही है वो। नहीं मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। हाँ सही में मैंने निकाली थी वो आवाज, मेरे को तो याद भी नहीं। रुको तुम लोग ये क्लिप देखो, फिर समझ आ जाएगा। वाह अरम भाई गजब, मेरे को तो सही में लगा कि किसी इंसान की आवाज ऐसी कैसे हो सकती है। मुझे तो लग रहा था असली का सायरन बज रहा है। गजब कर दिया भाई अरम तूने तो। चलो अब चलते हैं अगली आवाज की तरफ। ओके ये तो ऐसा लग रहा है इनके भाई रो रहे थे। अरे नहीं नहीं पता है, पायरेट शिप वाला एपिसोड था और उसमें मैं बड़ा डर गया था, इसीलिए ऐसी आवाज थी। सही जवाब। वाह इसका बड़ा फायदा हो गया, इसकी आवाज थी खुद की। मेरी बारी में कितने खराब आवाज लेके आए थे, युंगी की तो फिर भी सही थी। अब सुनो अगली आवाज। अब तुम्हारा सवाल है, कुकी ने ये क्यों बोला? हाँ मैं ही बताऊँ क्या? रन बीटीएस विलेज वाले एपिसोड में ना मेरे को एक छोटा सा डब्बा मिला था पुलिस ऑफिस के पास। हाँ फिर ना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, इसीलिए मैंने बोला कि ये मेरे को पुलिस ऑफिस के पास मिला। हाँ हाँ सही जवाब। ये तो चीटिंग हो रही है यार, इसने भी युंगी की तरह अपनी आवाज वाला क्वेश्चन ही सही बताया है। हाँ पर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी बारी भी आएगी। रुको मैंने तो अभी तक एक भी सही नहीं बताया, सिर्फ 0 पॉइंट है मेरे पास। अरे मोर होबी भाई, दोनों के पास ही 0 नंबर है। है होबी तू भी मेरी तरह ही है। 94 लाइनर्स एक जैसे। कोई नहीं इस बार मैं इन्हें पहले बोलने का चांस दूंगा। ओके ठीक है।